से होंगे। आज मैं आपको माइक्रोमीडिया फ्लैश के अंदर एक क्लास बनाना सिखाऊंगा, तो टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं फ्लैश। तो ये हमने फ्लैश को ओपन किया, ये हमारा ओपन हो जाएगा माइक्रोमीडिया फ्लैश। ये हमारा ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ से हमने फ्लैश डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद हमें सबसे पहले टूल्स के अंदर से ही हम सीखेंगे आज ब्रश टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे। ब्रश टूल पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक होता है स्ट्रोक कलर, मतलब उसकी लाइन का कलर, उसका बॉर्डर कलर। उसके बाद होता है उसकी फिल कलर, मतलब उसके अंदर जो भी कलर आएगा वो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर होते हैं उसके साइज ब्रश के, मतलब कि जितना बड़ा साइज रखना चाहो आप। उसके बाद होता है यहाँ पर उसके स्टाइल, तो यहाँ से जो भी स्टाइल रखना चाहो वो स्टाइल रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बार क्लिक करना है, फिर F6 का बटन प्रेस करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर F6 का बटन प्रेस करना है, फिर क्लिक करना है F6। मतलब कि एक बार क्लिक करते जाना है आपने, एक बार F6 का बटन प्रेस करते जाना है। तो ऐसे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये नेम बना लेना है ना, तो कोई भी नेम बनाना है आपने ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ। तो F6 का भी मैं बटन प्रेस करता जा रहा हूँ कीबोर्ड के अंदर से। ठीक है जी, आपने कीबोर्ड से एक बार माउस के साथ क्लिक करना है, एक बार F6 का बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ से आप ऐसे करते जाएंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे, ये देखें यहाँ तक मैंने ये इसको एक एक करके मैंने यहाँ से ऐसे नेम, आप जो भी अपना नेम भी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ये नेम शब्द जैसे लगाते हैं वो हमने ऐसे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है कंट्रोल इंटर, तो कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन है, एक इंटर, कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये हमारा ऐसे एनिमेशन चलेगी ना। तो जैसे जो भी नेम लिखते जाओगे, F6 नहीं करोगे ना तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार क्लिक करना है, एक बार F6, एक बार मतलब कि डॉट लगाना है, फिर एक बार F6 का बटन प्रेस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लास आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।